नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। एक पाठ आपका हो चुका है लासा और मासा का, जो महत्तम और समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक है, ये आपका दूसरा पार्ट रहेगा। तो प्रश्न नंबर 26 से इसको देखना है, क्योंकि 25 प्रश्न हो चुके थे। उसमें प्रश्न कहता है, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 23 तथा 11,339 है, इनमें एक संख्या 667 है, दूसरी संख्या बतानी है। तो भैया दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लासा गुणे मासा और बटे पहली संख्या। देखिए, अगर दूसरी पूछे तो पहली दे रखी होगी, ठीक है। तो क्या है, 11,339 और गुणे 23 और बटे 667। अब देखिए, 23 से काटते हैं, 23 बटे 667। अब देखिए, 23 से काटते हैं, 23 दूना कितने होते भैया हैं? 23 दूना होते हैं 87। कितने होते हैं? 87। 23 दूना 46 कितने बचे? 20। यहाँ पर 7 हैं, तो कितना हुआ? 207। कितना हुआ? 207। 23 नवा कितने होते हैं? 207। 23 नवा 207। अब देखिए बाबू, आपका 29 का पहाड़ा नहीं मालूम होगा, तो क्या करते हैं बाबू, हम भाग करेंगे। क्या करेंगे? इसको भाग करेंगे, ठीक है। तो 29 से हम इसको भाग करते हैं, कितने पर करेंगे? तिया पर जाएगा। देखिए, 30 का मान लीजिए तो तिया पर जाएगा, 3 नवा 27 और 3 दूनी 6 और 1 3 नवा 27 हाँ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। घटाते हैं, 13 से 7 जाएंगे, कितना बचेगा? 6। यहाँ पर कितना बचा? 2। कितना बचा भैया? 2। अब कौन सी संख्या उतारेंगे? 3 उतारेंगे। कौन सी संख्या उतारेंगे? 3। अब किस पे काटेंगे? नवा पर काटेंगे। नवा पर काटेंगे, कितने बाबू काटेंगे? नवा पर। तो 9 नवा 81 का 1, 9 दूनी 18, 18 8 कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। कितना बचा यहाँ पर? 2। और 9 उतारेंगे, 51 पर काटेंगे, तो 29 से कम 29 कुछ बचा? नहीं बचा। तो जो दूसरी संख्या आपकी आई वो कितनी आई? 391। कितनी बाबू आई? 391। ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखिए, कैलकुलेशन सिर्फ पूछता इसमें है और कुछ नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या कहता है। दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 180 और 3 है, यदि एक संख्या 45 है दूसरी संख्या बतानी है। तो भाई वही फार्मूला रहेगा, दूसरी संख्या बतानी है ना, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है भैया? लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या, यही तो है फार्मूला। अब देखिए, 180 और गुणे 3 और बटे, जानते हो जो पहली संख्या आपकी दे रखी है 45, कितनी दे रखी है? 45 दे रखी है। तो भैया 15 तिया 45, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। भैया कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28 देखिए, दो संख्याओं का लासा मासा क्रमशः 960 है, एक संख्या 16 है, उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 20 है, दूसरी संख्या बताओ। देखिए, लासा और मासा दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, दूसरी फिर पूछ रहा है। तो भैया एक संख्या कितनी है बाबू? 960, दूसरी संख्या कितनी है? 16 और एक संख्या कितनी है? 20। लासा गुणे मासा बटे एक संख्या, या पहली हो या दूसरी हो, तो क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल, 2 8 16, 8 6 48, कितने लगे? 4 हाँ से लगे, 8 9 72 और 4 76, कितनी भैया संख्या गई? 768। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, उनका मासा 6 है, तो लासा बताओ। तो भैया लासा बराबर, अगर लासा बराबर दोनों
संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे मासा, बटे मासा, ये फार्मूले आपको बता चुके हैं। तो भैया कितना है 216 और मासा कितना है 3, तो 3 7 21, 3 2 6, तो इनका लासा कितना आया 72 यानी 72। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 देखिए, प्रश्न नंबर जो है 33, 30 देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, उनका मासा 6 है, तो लासा ज्ञात करना है। तो भैया गुणनफल कितना इनका है 216, ठीक है, और इनका मासा कितना है 6, निकालना क्या है, क्या निकालना बाबू है, इनका निकालना है लासा, बता चुके हैं सेम प्रश्न है। तो 6 3 18 कितने बचे यहाँ पर, 6 3 18 3 बचे, 6 6 36, तो इनका जो है लासा कितना आया 36, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 31 देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 101,640 है, उनका लासा 4,220 है, तो उनका मासा बताइए। तो भैया इनका जो गुणनफल है 101,640 और बटे क्या होगा, बटे मासा, सॉरी लासा, लासा इनका है 4,620, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 2 स्थान लेना है 0 बढ़ा लेना है, 2 8 16, 2 2 4। अब 231 का आपको पहाड़ा नहीं आता होगा, तो क्या करेंगे 231 से इसको भैया भाग कर लेंगे आराम से, क्या करेंगे भाग कर लेंगे, दूनी पर जाएगा देखिए, तो 2 1 2 और 2 3 6 और 2 2 4, कितना बचा यहाँ पर 6, यहाँ पर 10 से 6 गए कितना बचा 4, कितना उतरा 2। अब क्या करेंगे दूनी पर फिर काट के देखते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, तो इनका जो मासा आया वो 22 आया, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 32 देखिए, दो संख्याओं 42 और 63 का लघुत्तम समापवर्तक 216 है, इनका मासा बताइए। देखिए दो संख्याएं दी हैं और क्या दिया है, लासा दिया है, मासा बताना है, तो क्या होगा फार्मूला, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे लासा, बटे भैया लासा, यही भैया मासा का फार्मूला होगा। तो कितना है 42 गुणे 46, ठीक है, सॉरी 42 गुणे 63 है, 42 गुणे 63 और बटे इनका लासा दिया है 216, इनका जो लासा दिया कितना है 126, ठीक है, तो 63 दूनी होते हैं 126, तो भैया 2 2 4, 2 1 2, तो इनका जो मासा आएगा वो 21 आएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 देखिए, दो संख्याओं का लासा 16 है, उनका गुणनफल 64 है, तो मासा बताइए। तो भैया मासा बताना है, तो गुणनफल बटे लासा, गुणनफल बटे लासा, तो लासा कितना है 16, 16 चक्कू 64, तो इनका मासा कितना आया 4, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा भैया, ऑप्शन नंबर आपका इनका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 34 देखिए, 15 25 से विभाजित हो जाए वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 15 कौन सी भैया है संख्याएं, 15 और 25 30, 15 25 और 30, एक बात बताओ, छोटी सी छोटी अगर पूछी जाए तो समझ जाना लासा पूछ रहा है, कम से कम पूछी जाए तो मासा है, सॉरी लासा है, कम से कम छोटी सी छोटी, ये लॉजिक पकड़िए। अब देखिए
इनका एलसीएम आप चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, और एलसीएम का मतलब होता है जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा काट सके। तो क्या करेंगे, पाँच से काटिए, पहले पाँच तियाँ 15, पचम 25 और पाँच छक्का 30, फिर तीन से काट लीजिए, तीन कम 3 और 5 और 3 दूनी 6, 5 और 2, यही तो होगा। तो पाँच तियाँ 15 और 15 पचे 75 दूना 150, तो बस छोटी सी छोटी संख्या 150 रही होगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 36 देखिए, 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाज्य हो, नहीं सॉरी। प्रश्न नंबर 35 देखिए, 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसमें 15, 40, 75 से पूरा पूरा भाग लग सके, जिसमें 15, 40, 75 पाँच तियाँ 15, पाँच अठे 40 और 15 पचे 75, फिर पाँच से काटिए 3, 8 और पाँच तियाँ 15, फिर तीन से काटिए 3 एकम 3, 8 3 कन्ना 3, फिर 8 से काट लीजिए, तो पचम 25 और 25 अट्ठे कितने होते बाबू हैं 200 और गुणे 3, इनका एलसीएम आया 600, कितना आया 600। अब 4 अंकों की बता रहा है, तो 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या यही होती है, 4 अंकों की पूछा है, आप 10 कम करके 1 लगा देंगे और उतने 0 लिख देंगे। अब 600 से इसको भाग करेंगे, तो 600 इकन्ना 600 कितना बचा 400, अब 600 को 400 से माइनस करेंगे कितना बचेगा 200, अब देखिए 200 बचेगा, क्यों, अगर हम छोटी से पूछे तो इसमें से घटा करके और उसमें जोड़ देना होता है, तो भैया 1000 ये और 200 ये, तो भैया हो जाएगी आपकी संख्या छोटी सी छोटी 1200, जो इन दोनों में तीनों में भाग चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों हमने ये 10 प्रश्न पढ़ाने का प्रयास किया, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये लूसेंट का आपका जो चल रहा है बैच ये पूरा पूरा पढ़ाने का प्रयास करेंगे, हर वीडियो में आपको मिलते रहेंगे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।